देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल आर 1, 4, -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल आर 1, -3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो देखो हमारे पास सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट हमको एक निकालना है, एक दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो ये सर्कल है अपना, ठीक है, और ये मान लो इसका डायमीटर है जो कि इसके सेंटर से गुजरेगा हमेशा। डायमीटर क्या होता है, हमेशा सर्कल के सेंटर से गुजरता है, तो सेंटर तो मान लो ओ है, वो हमें दिया हुआ है 1, -3, ठीक है, और ए भी मान लो सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, तो ए दिया हुआ है 4, -1 एंड बी हमें निकालना है जो कि मान लो x, y है, ठीक है। तो देखो ये हमेशा डायमीटर है जो कि सेंटर से गुजरेगा, तो ये क्या होगी इसकी रेडियस, ये जितना होगा ये उतना ही होगा, तो हमेशा ए बी का मिड पॉइंट होता है सेंटर, ठीक है, तो डायमीटर के को एंड है उनका मिड पॉइंट होगा ये सेंटर, ठीक है। तो हम अब एक्स एंड वाई बी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो देखो वो कैसे आएगा, 4 + x / 2 = 1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए एंड बी का, क्यों क्यों, क्योंकि ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर है। ओके, तो क्या होगा, x + 4 / 2 = 1, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -2, ठीक है, और y - 1 / 2 = -3, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से -5, तो x एंड y की वैल्यू आ गई -2 एंड -5, तो हमारे पास b क्या आ गया कोऑर्डिनेट, b -2 -5। ओके, यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है।